आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए यह सभी स्थानीय निवासी मथुरा शहर के प्रिया नगरी और प्रहलाद नगर कॉलोनी के मूल निवासी हैं। यह सभी लोग एकत्रित होकर शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी समस्या के निदान को लेकर पहुंचे हैं। इन सभी लोगों की माने तो इनके क्षेत्र में बीते समय नगर निगम द्वारा नाले को पक्का कराए जाने का कार्य करवाया गया था, जिसके बाद से बीते काफी समय से क्षेत्र में चली आ रही जल भराव की समस्या से निजात भी नहीं मिली थी, लेकिन वर्तमान में आर्मी के लोगों द्वारा इन लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। पीड़ित स्थानीय कॉलोनी वासियों की माने तो आर्मी के लोगों द्वारा नाले को बंद कर कॉलोनी निवासियों को परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में एक बार फिर से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल भराव के कारण स्थानीय निवासियों को मौसम जनित बीमारियों का खतरा भी सताने लगा है। शनिवार को कलेक्ट्रेट पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव से मुलाकात के लिए रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के साथ पहुंचे इन कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्या का निदान कराए जाने की मांग उठाई है। अब ये प्रिया नगरी और प्रहलाद नगर, ये आज से लगभग 50-55 वर्ष पूर्व कॉलोनियां डेवलप हुई थी, लेकिन फौजियों की हटधर्मी, जब वहाँ COD हुआ करती थी पहले, अब वो COD का प्राय खत्म सी हो गई है। कुछ लोग रह रहे होंगे लेकिन ये भी वहाँ रह रहे हैं। अभी प्रशासन ने 30 लाख रुपए लगाकर वहाँ पर नाले बनवाए थे। बरसात में वहाँ घुटरू से ज़्यादा पानी, 15-15 दिन औरतें बच्चे न तो स्कूल जा पाए, न औरतें घर में से बाहर निकल पाई। उसके बाद प्रशासन ने 30 लाख रुपए लगा के वहाँ पर नाले बनवाए। अब उस फौजियों ने वहाँ पे एक तो नाले तो बंद कर ही दिए, उसके साथ साथ रास्ता भी बंद कर दिया। और वो रास्ता है जो ब्रिटिश पीरियड में ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता था, जो जवाहरबाग कॉलोनी के पे निकलता है जाके, वो रास्ता है। तो हमारा मतलब ये है कि ये अब इतने लाखों रुपए लगा के उन मकानों को बेच के, और उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, बेच जाओ, तोड़ लो मकान अपने, यहाँ से जाओ। वो फरमान जारी कर दिया उन्होंने। तो आज हम आए तो DM साहब के पास थे। अब DM साहब के चक्कर में हम तो नहा भी नहीं पाते हैं। वो आते हैं थोड़ी देर, 3-4 दिन बाद तो आए, और जब तक मैंने फ़ोन किया वो घर पे थे। मैं जब तक यहाँ कपड़े वपड़े बिना नहाए दौड़ के भाग आया भाई, तो पूजा पाठ और छूट गई इन DM साहब के चक्कर में, और आया जब तक वो चले गए, 15-20 मिनट रुके बस। ये बेचारे सब तक टाइप कराया तो आश्वासन। अभी ADM प्रशासन ने कर्नल अवस्थी हैं, उनसे संपर्क किया, तो अब वो लिख के भी भेज रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जॉइंट वहाँ पे विजिट हो जाए, प्रशासन की और रेवेन्यू वालों की और आर्मी वालों की, एक टीम बन के, और ये लोग भी हों उसमें, हम भी चले जाए। वैसे तो ये नगर निगम का काम है, नगर निगम के वो बन गए, वहाँ के विष्णु जी वहाँ के पार्षद हैं। अब वो बेचारे नौजवान लड़का है, हमारा भतीजा है वो, अब वो वहाँ डर के मारे, फौजियों के मारे कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ। तो उनकी सुनवाई आयुक्त को करनी चाहिए, नगर निगम आयुक्त को, मेयर को करना चाहिए, वहाँ जाके इनको रिलीफ देना चाहिए। भाई प्रशासन ने 30-35 लाख रुपए लगा के वो बनाया है, तो वो पैसा बर्बाद गया। अगर पहले ही मालूम होती तो काहे को प्रशासन उसमें पैसा लगाता। तो हमारा आशय ये है कि इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ये मकान वहाँ से टूटेंगे नहीं, ये वहाँ से जाएंगे नहीं, रास्ता हमको चाहिए और पानी निकासी का साधन चाहिए। तो उसकी मांग करने हम आए, और हम ADM साहब ने कहा है कि सोमवार मंगल में हम फिर कर्नल साहब से बात करेंगे, और बात करके एक टीम बना के जॉइंट टीम बन जाए रेवेन्यू की, और वो सारे नंबर उसमें दिए हुए हैं जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड गए। अगर आर्मी के नंबर हों भाई, चलो कॉमन है, कोई आर्मी का है वहाँ से हटा दो, लेकिन जो नंबर हमारे हैं रेवेन्यू के। अच्छा सुनिए, सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि NOC मंगाने की कैंटोनमेंट से ही मिली है, आर्मी से मिली है। तो आप एक तरफ तो NOC दे रहे हो और एक